तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम बैक आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ पराग में, चेक रिपब्लिक पराग में ये वैकेंसीज अवेलेबल है। तो चार पांच कैटेगरी की जॉब मेरे पास अवेलेबल है। पहली जो जॉब है वो ड्राइवर्स के लिए, देन होटल रेस्टोरेंट पैकेजिंग हेल्पर और वेल्डर और प्लम्बर के लिए और इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो इन पांच छह कैटेगरी में मेरे पास जॉब अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जॉब्स तो अवेलेबल है और जो सैलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर आपके साथ में आज की इस वीडियो में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। देखिए कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे मुझे वीज़ा चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, ये है वो है। और मेरी उससे बात हुई तो जैसा कि मेरा मैसेज आता है ऑटो रिप्लाई में कि आपको 100 रुपये पे करने हैं, वन टाइम पेमेंट है और आप कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बातें करता रहा, फिर बाद में क्या बोलता है कि मैंने आपका जो ये चैटिंग है मैंने लाइव कर रखा था और बहुत सारे लोगों ने आपको गाली दी और मुझे लाइक्स मिले। तो वही देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे हेट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। तो दोनों बातें होती है, अगर कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है या कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आधे लोग आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपसे हेट करेंगे, आधे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पसंद करेंगे। तो ये दोनों बातें होती रहती है। तो भाई अगर जिस बंदे ने कल ये बातें मुझसे की थी और अगर आज की ये वीडियो वो देख रहा है तो भाई ठीक है, जो कर रहे हो ठीक है आपके लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक कन्वर्सेशन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कल जो है हमारे ऑफिस में एक कैंडिडेट गया था तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो बोल रहे थे कि मुझे रोमानिया या पोलैंड के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने उन्हें बताया था कि लिथुआनिया के लिए और यूक्रेन में और माल्टा में जॉब अवेलेबल है, आप ऑफिस में जाना, सर से बात कर लेना, जो कंट्री आपको पसंद आएगी, जो जॉब आपको पसंद आएगी उसमें अप्लाई कर लेना, ठीक है। बात करने के बाद तो मुंबई से है, वो मुंबई में रहते हैं और समीर नाम है उनका। तो मैं आपको उनकी कन्वर्सेशन दिखाता हूँ यहाँ पर जो उनसे बात की थी। देखिए मेरे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते, देखिए ये उनसे बात की थी मैंने। तो यहाँ पर देखो मैंने पहला SMS क्या किया था, उन्हें बात हो गई क्या आपकी सर से समीर भाई, तो उन्होंने कहा यस हो गई है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कोई डाउट तो नहीं है अभी आपको, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कहाँ के लिए आपने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने लिथुआनिया के लिए अप्लाई किया, लिथुआनिया यूरोप में कंट्री है तो वहाँ के लिए उन्होंने अप्लाई किया। फिर मैंने उनसे पूछा सर के बारे में, ही इज़ वेरी गुड, यही वो बोलते हैं हाँ या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ सर काफ़ी अच्छे हैं। फिर मैंने उनसे कहा पे किया क्या कुछ आपने एडवांस या कुछ पैसे वहाँ पर पे किया, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं किए, पर थोड़े एक दो दिन के बाद वो जाकर ऑफिस में अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट और जो भी उनका प्रूफ है देखिए वो जमा कर देंगे। देन उसके बाद ये क्या बोलते हैं नाइस पीपल, ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं नाइस पीपल कि जो ऑफिस के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सारी चीज़ें गलत बताते हो, इन्फॉर्मेशन गलत है। तो मैं उनसे क्या बोलता हूँ कि आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में सर से बात कर लो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब कोई भी डाउट यार होने नहीं चाहिए किसी भी बात के बारे में, आप सारी बातें फेस टू फेस करो, आपको अच्छा लगे तब अप्लाई करो, आपको अच्छा नहीं लगे मत अप्लाई करो। मैं नहीं बोल रहा कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दो, आपको अप्लाई ही करना है, आप ऑफिस में आओ मीटिंग करो सारी बातों को जानो उसके बाद अप्लाई करो। मैं आपको फोर्स नहीं करता हाँ भाई अप्लाई करो कि आप ये जॉब अच्छी रहेगी ये जॉब अच्छी रहेगी, आपको जो जॉब अच्छी लगेगी जो कंट्री आपको अच्छी लगेगी उस कंट्री में अप्लाई करो। तो दोस्तों देखो मैंने आपको यहाँ पर एक प्रूफ दिखा दिया है कि हाँ भाई जो बंदा ऑफिस में जा रहा है सर से बात कर रहा है उसकी क्या राय है ऑफिस के बारे में, सर के बारे में या किसी भी जॉब के बारे में। तो आप लोगों ने देखिए यहाँ पर देख लिया होगा कि जो कैंडिडेट जा रहे हैं ऑफिस में उनकी क्या राय है, वो क्या बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि चार पांच कैटेगरी की जॉब अवेलेबल है चेक रिपब्लिक में, और कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो इसकी कैपिटल सिटी है वो पराग है, तो कंट्री काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी रही। तो गाइस जितनी मैंने आपको ये जॉब बताई है इन सभी जॉब्स में आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 600 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक, यानी आपको 600 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक के अंदर सैलरी मिलेगी।
देन उसके बाद आपको कंपनी ओवर टाइम प्रोवाइड कराएगी। देन जो दोस्तों अकोमोडेशन है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, फूड, होम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सभी चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहेंगे आपको। 2 साल का आपका ये एग्रीमेंट रहेगा, 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा आपको। देन गाइज सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको यूरो में सैलरी मिले तो देखिए आपकी सैलरी मंथली काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 1 यूरो की कीमत जो है लगभग 87-88 रुपीज़ के लगभग है, तो एक अच्छी सैलरी हो जाती है। देन गाइज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपने सभी रेडी करके रखना है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि जब आप ऑफिस आ रहे हो तो अपना पासपोर्ट और जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो या जो आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं 10वीं के 12वीं के, या अगर आप और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो, देन आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी चीज़ें साथ में ले आओ। जो भी सर मांगे, हाँ भाई मुझे ये चीज़ें दो, ये आपको देना है तो आप दे दो, ये नहीं कि अरे यार हमारे पास ये नहीं, ये वो नहीं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर ले करना है, क्योंकि देखिए जब कंपनी हमसे मांगती है कि हाँ ये आप इस जॉब के लिए अप्लाई करवा रहे हो, तो देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर देना पड़ता है, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर बना कर रखो, अगर आप पैकेजिंग में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप होटल में अप्लाई करो, अगर आप ड्राइविंग में अप्लाई करो, तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा कर रखो। अगर नहीं है तो किसी आसपास के कंप्यूटर सेंटर पर चल जाओ, वो बना कर दे देंगे, तो काफ़ी इजीली कोई भी बना देता है, देखिए बनवा लो। देन गाइस आप मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर दें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका CV है, तो मैं आगे देखिए ऑफिस में फॉरवर्ड करके मालूम करूँगा कि हाँ इस तरह से ये कैंडिडेट है और इस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है। देन गाइस देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8वीं पढ़े लिखे हैं तो देखिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि चेक रिपब्लिक देखिए एक यूरोपियन कंट्री है और वहाँ पर देखिए इंग्लिश जो है ज़रूर बोली जाती है। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग तो मस्ट रिक्वायर्ड है, यानी आपको इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, तो उन लोगों को मेरी एक ही राय है कि वो अप्लाई ना करें, वो थोड़ी छोटी मोटी कंट्री में अप्लाई कर ले, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री है और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट रिक्वायर्ड है। जो वीज़ा कोस्टर दोस्तों वो भी अच्छी है। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए अगर आप लोग यूरोपियन कंट्री का वीज़ा ले रहे हैं तो ये मत सोचो कि यार हमारे इतने पैसे जाएंगे, सैलरी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। और यही बात मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बना दी है कि अगर दोस्तों आप लोगों को देखिए सैलरी अच्छी मिल रही है, यानी आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल रही है, तो आप ये मत देखो हमारे इतने पैसे जा रहे हैं वीज़ा में, वीज़ा फीस में। सैलरी आपकी अच्छी रही तो आप 3-4 महीने काम करोगे, 5 महीने 6 महीने काम करोगे, सारे पैसे उतर जाते हैं, उसके बाद देखो भाई आपके पास पैसे बचते ही हैं, ये नहीं कि आपको किसी और को देने पड़ रहे, आपके सारे पैसे सेव होते रहेंगे। देन गाइस आपके पास जब पैसा रहेगा तो आप और कोई भी देखिए कदम उठा सकते हो, आप कोई भी मतलब और कंट्री में मूव कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर आप लोग यूरोप कंट्री में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। देन गाइज जो इंटरव्यू रहेगा आपका वो CV सिलेक्शन रहेगा। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम दोस्तों चेक रिपब्लिक के लिए थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 3 से 4 महीने का टाइम आपको लगेगा अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो, 3 से 4 महीने आपके लग जाएंगे। ये टाइम जो है इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी देखिए वायरस की कंडीशन है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर वायरस नहीं होता तो थोड़ा जल्दी वीज़ा मिल जाता है, पर वायरस की वजह थोड़ा डिले हो रहा है वीज़ा मिलने में, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है सामने। तो कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं, 3-4 महीने आप और कोई सी जॉब कर सकते हैं इंडिया में, अगर आप लोग इंडिया में हैं देन 3-4 महीने आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप इजीली जा सकते हैं, आपके पास इतना और भी बजट अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस यूट्यूब चैनल अपडेट जॉब्स को।